सब लोग को गुड मॉर्निंग। आ गई बक ले आई, कुछ उधर जाओ, उधर हुए खड़ा रहोगी। उधर कहाँ जा रही है, जगह है? इधर जाओ, इधर कहाँ जाओगी तो हम क्या समझे? उधर पीछे जाओ ना, उधर जगह है, लास्ट में जाओ, उधर टंट वगैरह। दिमाग की बत्ती जला दे, ला टंटवा नहीं था, आराम से दिमाग काम करने लगेगा। एक ला रे बैल कहीं कहीं तो। चलिए बाबू सब लोग ध्यान से समझते, हम लोग लास्ट बेंच पे जाओ, लड़की वहां पे दिमाग काम नहीं कर रहा था, एकदम लास्ट बेंच पे, लड़की सबके लास्ट बेंच पे खोजते जा रही है बेवकूफ, लेट से आएगी उसके पास, उस पे से सीट रख ले रहेगी सर, उस पे से भी कोऑपरेट करने की उम्मीद ये सब से समझ रही है सर। ट्रेन में लड़की महिला से सीट मांगेंगे तो पलथी मार के बैठ जाती है। सब एक जैसी नहीं होती है, हाँ सब एक जैसी नहीं होती है, कोई पलथी मारने की जगह सो जाएगी। सही बोली, ज्ञान वर्धक बातें बोल देती है कभी कभी। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। इससे पहले हम आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताए थे। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग हिंदी में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी उच्चतम न्यायालय हो जाता है, कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा आर्टिकल 124 में, 124 में बहुत सारी बातें कही गई हैं, आर्टिकल 124 में बहुत सारी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 में क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट का गठन है। अब इसमें कई सारी बातें कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज होते हैं, 33 प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कितना हो गए टोटल, कितने हो गए 34 जज हो गए। इससे पहले अभी कितने थे, 29 प्लस 1 30 जज होते थे, शुरुआत में एकदम सात गो थे सब। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए अगर योग्यता देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए योग्यता देखेंगे तो कितने साल तक वकील होना चाहिए, 10 साल। कहां पर, हाई कोर्ट में, या फिर जज होना चाहिए कहां पर, हाई कोर्ट में। साथ में कानून का जानकार, कानून का जानकार किसके नजर में, यहीं पे आके सब लोग फंस जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को बताइए इनकी नियुक्ति किसके सलाह पर होती है, सलाह किसका लेते हैं, कोलोजियम। क्या न्यायिक नियुक्ति आयोग पारित हो पाया था, हो गया था, किसने रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट। पारित करने का काम तो राष्ट्र संसद का था, उसने तो पारित कर ही दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रद्द कर, कहा कि यह असंवैधानिक है। ठीक किया, करप्शन प्लस नेपोटिज्म दोनों हो जाता। लोग कहते हैं कि जुडिशरी में नेपोटिज्म, नेपोटिज्म मतलब सोचते हैं भाई भतीजा बात। अब जैसे देखिए हम टीचर हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमारा भाई भी टीचर हो, बनेगा भी नहीं, सब बनना चाहे तो बन सकता है, अलग बात है, लेकिन कोई गारंटी नहीं। ठीक है, या हमारा बाल बच्चा रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि टीचर बने, क्योंकि टीचर के लिए योग्यता चाहिए बहुत ज्यादा, सब लड़का नहीं आएगा। लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे तो हीरो का बेटा हीरो, हीरोइन की बेटी हीरोइन हो जाती। एक आप सैंपल से एग्जांपल देखते हैं, विराट कोहली, उसने शादी किया अनुष्का शर्मा से, इनकी अपनी पर्सनल मैटर है, दिक्कत नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ वेल सेटल्ड है, इंडिया की एक रेनाउंस जगह पे है, वो क्रिकेट की दुनिया में एक हस्ती है, वो फिल्म दुनिया में एक हस्ती। अगर इनका बेटा, कोई गारंटी नहीं है कि क्रिकेट में जगह बना पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसको अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी, और अगर क्रिकेट से फेल हुआ ना तो हीरो तो पक्का बन जाएगा। दिस इज नेपोटिज्म। बेटी अभी, लड़का हो गया उसका, हो सकता है तब, हमको फिल्मी दुनिया का उतना नॉलेज नहीं होता, बहुत पहले जब हम आप लोग की तरह यंग थे तब हम फिल्म देखते थे। आगे बढ़ जाए,
जज सुप्रीम कोर्ट का वकील, हाई कोर्ट में होगा, वो कह रहा है कि इतना 10 साल वकील सुप्रीम कोर्ट में रहना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? हाई कोर्ट। क्या लिखा है? हाई कोर्ट। समझे? जो हम बोलते वही जीएस है। समझ रहे? जीएस की दुनिया के सुप्रीम कोर्ट है। आगे देखते हम लोग। इसको समझ में नहीं आता है ना, तो चिल्लाने लगती है पकललिया। कोनो हार्ड टॉपिक आएगा तो इसको समझे में नहीं आएगा। कोलोजियम में कितने जज होते हैं? कोलोजियम में कितने जज? 5 जज होते हैं। अब जब नियुक्ति हो गई कोलोजियम के हिसाब से, तो ये अपने अपने पद पर कितने वर्ष रहेंगे? 6 साल। कितने साल? नहीं तो 65 साल आयु, 65 वर्ष आयु तक, 65 वर्ष आयु तक। इतना ना बुढ़ौती में बनाता है कि 1-1.5 साल में खत्म हो जाते हैं। बहुत बूढ़े पे ही ले जाके बनाता ही है। नया जज बनाना भी नहीं चाहिए, खून गर्म होता है। यंग लोगों का खून क्या होता है? गर्म होता है। एक एज जाने के बाद ना आदमी आराम से संभलता है। अभी आप लोग को गुस्सा बहुत भयानक आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, बहुत तेज बिखी आ जाएगा। लेकिन एक उम्र होने के बाद आप लोग को बातों को समझने लगते कि आखिर दोनों में क्या मैटर हुआ था। ज्यादातर यहाँ पे बूढ़े लोग ही बन जाते हैं। आगे बढ़े सर, क्या राष्ट्रपति द्वारा पारित अध्यादेश संसद से अनुमोदन के बाद दोबारा राष्ट्रपति के साइन के लिए आएगा? भैया अपने पारित किया, फिर दोबारा कहाँ भेजोगे? साइन करके ना भेजा है वो। समझा क्या? किसी को दिक्कत नहीं है? आप 6 साल तक अपने कार्यकाल पे रहेगा। अगर आप इसे हटाना चाहते, जज को हटाना चाहते हैं, तो महाभियोग लाना पड़ेगा। इनमें क्या लाना पड़ेगा? महाभियोग। हालांकि महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहेंगे, महाभियोग तो कहेंगे नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अब तक किसी जज पर महाभियोग लगा है? नहीं। अब तक किसी पे लगा? नहीं। लगाने के लिए प्रस्ताव आया है, पारित नहीं हुआ है। कई जज के खिलाफ आया है, जैसे रंगा स्वामी, उनके खिलाफ भी आया था। देखिए, एक दो जज, एक रामा स्वामी के खिलाफ भी आया था, रंगा स्वामी के खिलाफ भी आया था, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होइएगा। हाल ही में जो 45वें मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा, उनके खिलाफ भी प्रस्ताव पारित लाया गया था, लेकिन वो प्रस्ताव प्रारंभ ही नहीं हो पाया। क्योंकि आपको भी पता है कि महाभियोग प्रारंभ होने के लिए कितना होना चाहिए? प्रारंभ करने के लिए 1/4 चाहिए, उसके बाद ना 2/3 से पर, ठीक है, करेंगे 62 साल ना आयु होता है, 65 साल होता। कितना साल होता है? 65 साल होता। कितना साल? 65 साल आयु होता है। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा इन्हें क्या किया जाता है? हटाया जाता है। इन्हें जो वेतन दिया जाता है वह वेतन देश की संचित निधि से दिया जाता है, कंटीजेंसी फंड, संचित निधि से। संचित निधि से दिया गया धन में आप कटौती नहीं कर सकते हैं। तो इसको ना वेतन का टेंशन है, ना ही टर्मिनेशन का टेंशन है, ना ही प्रमोशन का टेंशन है, ना ही सस्पेंड होने का टेंशन है। तो डराएगा क्या आपसे? डरेगा? नहीं डरेगा। सुप्रीम कोर्ट किसी से नहीं डरता है, हाई कोर्ट वाले तो डरते ही नहीं है। समझा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा चीज होता है? हाई कोर्ट नाप देता है अच्छा अच्छा आदमी लोग को। वहां पर जज को बहुत इज्जत दिया जाता है, हाकिम कहा जाता है, माय लॉर्ड। समझा? ये इज्जत देने का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट के जज से कहा गया कि ये माय लॉर्ड हो गया, या ये सब चीजें, ये तो ब्रिटिश काल की है। तो जज ने कहा कि हम थोड़े कहते हैं कि तू हमारा माय लॉर्ड कहो, खुदे कह रहा है तो हम का फैसला सुनाएगी? कहेगी ना ना ना, जज साहब कहो तब सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और भैया वो कह रहा है तो हम, हिंदुस्तान में 1 लाख वकील है सब, दोनों आगे कुछ कहेगा? देखिए, तू सबको बड़ी तेज मतलब खुश करने की कोशिश करता है। एगो वकील जज को माय लॉर्ड योर ऑनर, जैसा आपके आदेश से ऐसा हो, ऐसा इज्जत करेगा जैसे जानता है। और दूसरा एक देंगे डॉक्टर के पास, एक MR आता है दवाइयों के प्रचार के लिए, इतना अच्छा से बन ठन के आएगा, सर ये दवाइयां है, इसको खाने के बाद मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है, सर एक बार इसको दिखाते, एकदम इसको खाने, और जिंदा खाएगा तो मर जाएगा। ये खाइए एकदम तुरंत, देखिए यहाँ पर काला बाल सफेद हो जाएगा तुरंत, यहाँ खूब अच्छा से उसको बताता है सर। समझेंगे कि नहीं? इनमें इनकी सैलरी कितनी होती है? 2.5 लाख। लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश है उनका 2,80,000।
इनका वेतन जो संचित निधि से दिया जाता है कितना दिया जाता है 2.5 लाख, इन 33 लोगों का 2.5 लाख, और जो मुख्य न्यायाधीश है 2,80,000, 2,80,000। इन्हें हटाने के लिए कैसी प्रक्रिया? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। आगे बढ़े कुछ जी? हाँ जी, किसी भी सदन से महाभियोग चालू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल कितना नंबर हो गया? क्वेश्चन पूछने पे तो बता ही सकते हैं, वर्तमान में कुल जजों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कितने साल वकील? जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? कोलोजियम के सलाह पर। कोलोजियम में कितने जज? कितने जज? 5 सीनियर जज। जज को हटाने के लिए कैसी प्रक्रिया? रामास्वामी के विरुद्ध आया था या नहीं आया था? क्या पारित हो पाया था? कितने साल तक अपने पद पर रह सकते हैं? 6 साल या 65 वर्ष के। अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति। किसे दे देते हैं? राष्ट्रपति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुप्रीम कोर्ट के जज का बहुत बड़ा पावर होता है, बहुत बड़ा पावर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखते हैं। जैसे अब इनको महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाएंगे, सुविधाएं बहुत मिलती हैं, फ्री का बंगला मिलता है, घर द्वार सब मिलता है। समझ में आ गया यहाँ तक में? अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 124 के बाद 125 पर। बड़े ना, 24 में क्या था? सुप्रीम कोर्ट 1950 में, 1950 में बना था आर्टिकल 124। अब यहाँ लिख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का गठन स्थापना बोलती है 125 में। वेतन जजों का 26 में। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 27 में। एडहॉक जज 27 में। एडहॉक वेतन कितना है आपको बताइए? ध्यान से देखिए, लिखा है कि नहीं? वेतन कितना रुपया वेतन है? 25 जजों को वेतन संचित निधि से दिया जाता है, जिसमें कटौती नहीं हो सकती। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000, बाकी अन्य न्यायाधीश को ये तो बता ही दिया आपको, उसी में बता दिए थे। यहाँ बस ऐसे लिख देंगे तो चल जाएगा वेतन? नहीं चल जाएगा। 2,50,000 किसको? अन्य न्यायाधीश को, और 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश। इसमें तो कुछ खास पढ़ाने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति से कम है। आगे बढ़ जाएं, आर्टिकल संख्या 126। यहाँ समझिए, ये तीनों आर्टिकल एक दूसरे से रिलेटेड है, 126, 127, 128। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, समझिए कैसे। एडहॉक जज की चर्चा है इसमें, क्या है? एडहॉक जज। एडहॉक जज को हम लोग कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश, सॉरी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कार्यकारी है मतलब टेम्पररी, कार्यकारी का मतलब टेम्पररी। इसका मतलब क्या होता है समझिए, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे में कितने जज होते हैं? 33, और एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल कितने हो गए? 34। लेकिन कहा गया है कि अरे यार क्या पूछता है शिवम प्रजापति, पूछे सर किस आर्टिकल के तहत संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? अरे बैल कहीं का, तुम एकदम 24 कैरेट का बैल है, 368 में है, और ये बैल को नहीं दिख रहा है कि अभी 126 पे है। अभी कितने पे है? 126। इससे आगे तुम कुछ भी पूछोगे अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे होम ट्यूशन पढ़ने बैठे हो, इस सबको कमेंट और मिलता है ना, सोचता से कुछ पूछना चाहिए। आगे बढ़े, देखिए ध्यान से, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मतलब होता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये किसी कारणवश अगर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं है, इन बीमार पड़ सकते हैं, कहीं दूसरे देश के दौरे पे जा सकते हैं। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ना इंटरनेशनल दौरे पे भी भेजा जाता है उन लोग को, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट में कहीं बैठक है या इस टाइप का, तो वहां भेजा जाता है, या छुट्टी पे गया है, ससुराल गया है, कहीं पे भी अगर गया है मुख्य न्यायाधीश अगर, तो वहां पर यहां से क्या किया जाता है, इनमें से किसी एक को टेम्पररी बना दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो शपथ नहीं लेता है, क्योंकि पहले ही से शपथ लेके बैठा रहता है, और कौन सा फुल टाइम के लिए आए हैं कि शपथ लेंगे,
चुपचाप काम करना चालू कीजिए। और जैसे उस ससुराल से लौटेगा वापस ये क्या बन जाएंगे, जज, सुप्रीम कोर्ट के जज। और अगर जब तक नहीं रहेगा तब तो, अगर मान के चलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1 महीना के लिए गया है छुट्टी पर, तो ये कितने दिन के लिए रहेगा, 1 महीना। 1 महीना के दौरान ये उतना सभी पावर का यूज करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज के मुख्य न्यायाधीश के बराबर था। पावर तो सबका बराबर ही होता है, समझा गया। वेतन भी 2,80,000 मिलेगा। मान के चलिए कि 10 दिन तक के लिए खाली था, 10 दिन के लिए, तो उस 10 दिन का वेतन 2,80,000 के रेट से दिया जाएगा, और बाकी का फिर जब आ जाएंगे अपना तो 2,50,000 के हिसाब से, पर दिन के हिसाब से जो दिया जाएगा। तो जितने दिन तक आप मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे उतने दिन तक क्या होगा, इसके अनुसार वेतन दिया जाएगा, उतने दिन तक उसके अनुसार क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। लेकिन यह टेम्प्रोरी पद है, टेम्प्रोरी कार्यवाहक मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, बस किसी खास काम के लिए आए हैं इसलिए दिया गया है, समझ में गया। आगे बढ़ जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ही रहता है ना, उसके जगह पे लाया जाता है इस कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को। उसके बाद आर्टिकल 127, आर्टिकल 127 एडहॉक जज है, क्या है, एडहॉक जज, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, जज लिख दें, न्यायाधीश से ठीक लगेगा, इसके साथ अजीब लगेगा जज। तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा किसमें है, 127। ये क्या चीज होता है इसको बड़ी समझना आई, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है। तदर्थ का मतलब होता है इस काम के लिए, एडहॉक का मतलब क्या होता है, इस काम के लिए, मतलब समझिए कि इनको टेम्प्रोरी लाया है, किसी न किसी काम के लिए लाया है, उसी को क्या कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश कहेंगे। देखिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, 33, और एक तो मुख्य न्यायाधीश, टोटल कितने हो गए, 34। आप अगर गहराई से इसको देखिएगा तो अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो हम इसी में से एक ठो को मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा देते हैं, समझा गया कि नहीं, और इजीली काम हो जाता है। लेकिन क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट में इन 33 जजों में कमी होगी, तब मान के चलिए एक जज दो जज कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना, 10-10 को जज छुट्टी पे चल जाते हैं। अभी खरमास चल रहा है, कोनो जज छुट्टी पे ना गया हो, खिचड़ी के बाद लगन चालू होगा, एक दिन में 3 गो ब्याह, एक आदमी का नहीं मतलब अलग अलग, 3 गो ब्याह में उसको ब्रेन कैंसर हो जाएगा। हाँ चलो ध्यान से समझो, इधर मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों में बहुत ज्यादा कमी हो गई, बहुत सारा जज छुट्टी पे चला गया, तो उस स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बाधित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप बताइए मित्रों, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस कंडीशन में या तो आप सुप्रीम कोर्ट को डिले होने दीजिए, नहीं तो आपके सामने एक और रास्ते हैं, क्या है कि भारत में 25 गो हाई कोर्ट है, कितना हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, और हर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है। हर हाई कोर्ट में क्या होता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जैसे पटना हाई कोर्ट है, इसमें 65 गो की 70 गो जज है, 65 गो के ऊपर कौन सा है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट 165 जज, 165 क्यों नहीं होगा, 165 जज, 22 करोड़ जनसंख्या है, तो 22 करोड़ जनसंख्या होगा तो 22 करोड़ झमेला होगा। अब बताओ एक आदमी के घर में किसी का एक गो लड़का हुआ, क्या उसके सास पतों में झगड़ा होगा, जब तक ननद नहीं तब तक, ननद या जेठानी या देवरानी नहीं रही, आखिर यूरेनियम को विस्फोट करने के लिए न्यूट्रॉन की जरूरत होती है, तभी ना विस्फोट करेगा, उसके बाद विस्फोट हो। तो जितनी ज्यादा जनसंख्या होती है उतने ज्यादा क्राइम की संभावना बढ़ जाती है। तो ज्यादा जज कहाँ है भैया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की संख्या सबसे ज्यादा, ठीक है, हालांकि सब एक साथ बैठते नहीं है, 160-165 इतने जज है वहां पर, और बहुत अच्छा डिसीजन देता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक बार उसका डिसीजन याद है, 2013 में दिया था, लड़का लड़की बड़ी देखते हैं, भाग के ब्याह कर लेता है, लड़की सबको समझ, 10 दिन अच्छा से बतिया दोगे तो इसको लगे कितना अच्छा इंसान, बहुत भावुक होती है।
होती है सब, बहुत ज्यादा एकदम। उस सब कोई नहीं समझ में आता कि ये पतिया कह रहा है, नहीं समझ में आया कितना अच्छा है रे लोल कहेगी। कौन आदमी डेमो अच्छा से नहीं देता है, अजब बात होता है। लड़की लोग को कुछ समझे में नहीं आते हैं। अजब हम क्या कहूं, कह रहा मत भड़काइए सर, लड़की सब को इस चीज समझना पड़ेगा कि कोई भी इंसान एक बात समझना पड़ता है, कोई क्यों आपसे आता है बात, वकील जज से प्यार से क्यों बात करता है, उसको अपना काम निकालना है। एमआर दवाई बेचने से पहले डॉक्टर से प्यार से बात कर। अब डॉक्टर अगर ये सोचे कि कितना डिसिप्लिन वाला है तो डॉक्टर बैल है, उसको बेचना है। अगर जज ये सोचे कि वकील कितना इज्जत से बात करता, अरे वकीलों को तुम देखे का हो, अरे बाप रे बाप, स्ट्राइक पे जाता है वकील तो किसी के बस का नहीं रहता है। पुलिस वालों को तो थोड़ा भी वैल्यू नहीं देते हैं। अब पिछले साल 2020 में तमाचा मार दिया था लोगों ने दिल्ली में, देखे होंगे वहां पर, तो पुलिस और वकीलों में ठन गई थी। तो बात ही सबको समझना चाहिए आप लोगों, लड़की सबको भी समझना, लेकिन ना तुम ही से हमारा जीवन पार लगेगा। जो दुबर गांधी मैदान घुमा दिया तो जीवन पार लगेगा। किसी भी लड़की के पिता कितने भी गरीब होंगे, अगर वो कह देगी कि पिताजी हमको 6 महीने अगर पटना और रुक जाएंगे तो मेरा जॉब हो जाएगा, वो पिता अपना शरीर बेच देगा लेकिन आप लोग को रह देगा। आप 2 महीना मांग के देखिए, जिससे फोनवा पे बतियाते हो, नहीं देगा, नहीं देगा वहां पे। गजरा कर आएगी, रिचार्ज उचार्ज तक ठीक है, इतना हैवी खर्चा कर बताइए। लड़का कहते हैं बहुत टेंशन है। चलो ध्यान समझो, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई भी लड़की को भागना है भागो, लेकिन लड़का को लड़की के नाम पर 3 लाख रुपए जमा कराना पड़ेगा, सिक्योरिटी मनी, सब भागना बंद हो गया। ठीक तो है, तू लड़की के नाम पे 3 लाख रुपए नहीं दे सकता, कहाँ से लाएगा? मान के चलो तू भाग गया 10,000 रुपया देके, बाद में वो बीमार पड़ी तब कहाँ से इलाज कराएगा? घर वाला तो कोनो ना पूछने वाला है। ये सब चीज गड़बड़ है यहाँ पर, किडनी बेचेगा। सरकारी हॉस्पिटल में लेकिन लेके भागेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई शादी ब्याह करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी मनी जमा करना, क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी मनी को जमा करना पड़ेगा, तभी जाके आपका कोई उपाय है, अदरवाइज में कोई उपाय नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हाई कोर्ट भारत में कितने हैं, और हर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है। तो यहाँ क्या कहा जाता है कि अगर यहाँ जजों की कमी होगी, 8-10 जज कम हो गया, तो भारत के किसी भी हाई कोर्ट से कुछ समय के लिए जजों को बुला लिया जाता है, उसी को कहते हैं एडहॉक जज। क्या कहते हैं? एडहॉक। तो हाई कोर्ट से आया हुआ टेम्पररी जज जो सुप्रीम कोर्ट में बैठता है उसे क्या कहते हैं? एडहॉक। ये जितने दिन बैठेगा उतने दिन उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर वेतन मिलेगा, उतने दिन तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर पावर यूज करेगा, उतने दिन तक वो जज के बराबर सिक्योरिटी वेतन भत्ता का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये अस्थाई रूप से नहीं रहेगा। जब वो लौट के आएंगे तो इन्हें जाना पड़ेगा, लेकिन बात होती है कि इन्हें लाएगा कौन। तो इसमें 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये सिफारिश करते हैं मुख्य न्यायाधीश, किससे सिफारिश करेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं मुख्य न्यायाधीश कि जजों की संख्या बहुत कम हो गई है, हमको क्या करना चाहिए। ये बैल कहीं का कुछ बोल रहा है यहाँ पे, तो बताइए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे सिफारिश करते हैं? अब राष्ट्रपति अनुमति लेते हैं उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कि कुछ जज खाली हैं सब, तो टेम्पररी भेज दीजिए सुप्रीम कोर्ट। तो वहां जज खाली रहेंगे तो भेज देगा। जैसे मान के चलिए कि मुख्य सुप्रीम कोर्ट में 10 जज की कमी है, कितने जज की कमी? 10। तो ये पता किसको चलेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, क्योंकि वही चीफ है, उसी को पता है कौन सा कोर्ट खाली है कौन सा नहीं। तो वो
उस राष्ट्रपति को कह देगा देखिए 10 जज कम है, आप एडहॉक जज मांग लीजिए। तो राष्ट्रपति पटना हाईकोर्ट से कहेगा कि हमको 10 एडहॉक जज चाहिए, तो पटना हाईकोर्ट वाला जज को हमरे से ले जाइएगा। हमरे से ले, एक दो को दे देंगे हम, 10 को थोड़े दे ले जाएंगे यहाँ पे, तो एक दो को यहां से उठा ले जाएगा, क्योंकि उसे अनुमति किससे लेनी है, अनुमति चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट। जाएगा ही मान के चलिए राजस्थान हाईकोर्ट में, राजस्थान हाईकोर्ट का गन्ना देते हैं, एक को ना देंगे भगो, कोई बात नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास 165 जज है, कुछ दे दीजिए, वहां का हाईकोर्ट का देगा 165 जज है तो 165 को मुकदमो है हमारे यहाँ, एक से एक बनल मिलता है सब यूपी बिहार में, कूल डेंजर डेंजर इधर ना रहता है सब, कोनो मैटर पे पहुंच जाता है सो हाई कोर्ट में, बकरी चोरी हो गया, हमार बकरी चोरी हो तो चल केस कर तो तोरा मुकदमा, बात बात पर मुकदमा हो जाता है यहाँ पर, समझ आएगी नहीं क्या। तो कोई हाई कोर्ट चाहे तो मना कर सकता है कि हमारे पास जज अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि 165 जज में इलाहाबाद हाई कोर्ट में से 100 को छुट्टी पे हो, आपको ही पता दिल्ली में बैठ के कि इलाहाबाद में क्या हो रहा है। इसका अलग ही कंसेप्ट है। क्या कह रही है, क्यों सब छुट्टी पे काहे जा जाता था, देता काहे से छुट्टी। ऐसे ना राष्ट्रपति रहना चाहिए। कह रही है कि ऐसे का जरूरत है पढ़ाने का, छुट्टी काहे देता है। ऐसा ऐसा खतरनाक है, जज के ऊपर बाबू प्रेशर नहीं बनाया जा सकता, जज के ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं बनाया जा सकता। रीजन क्या है कि जज अगर घुसियाया है और आप उसके जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, ये दुनिया में बस एक ही ऐसा जगह है जज जिस पे आप प्रेशर से काम नहीं करा सकते। घुसिया है, मान के चलो कि पत्नी से झगड़ा हुआ है और आया है, अक्का देगा कि हम आज नहीं लेंगे, तो उसका सैलरी नहीं काटेंगे, क्या है कि उसको जबरदस्ती बैठाएंगे तो घुसियाया रहेगा। बताओ इसे बोल दी करिए कि एकरा से तो अच्छा रिक्शा वाला से ब्याह हो गया रहता, बताओ ऐसे बोला जाता है हमको, कह रही है कि एकरा से तो अच्छा पहल के था, बताओ हम क्या हो गया, हम इतना ठीक तो आइए हैं, थोड़ा टेंशन में है, कोनो वकील लाएगा जज साहब ये खेत के मलॉर्ड, हाँ मलॉर्ड ये मेरे खेत से खीरा चोरी किया था, फांसी दो इसको, फांसी हैंग टू डेथ, तोड़ दो उसे, जा फांसी दो, चोरी चोरी होती है, खीरा का हो या हीरा का हो, फांसी दो, बताओ। ये कह रही है कि छुट्टी काहे दिया जाता है, जज को 2 साल से छुट्टी मत दो, एकरे मुकदमा लेके चल जाओ, 2 बार फांसी देगा इसको, आगे बढ़ जा। तो लड़की सबका कंसेप्ट ही अलग होता है, ध्यान दीजिए अब यहां पर। तो बताइए दोनों कोर्ट नहीं देगा तो चुपचाप रहिए, कोनो कोर्ट नहीं देगा, हुआ था एक बार कोनो कोर्ट नहीं दिया, हाँ इसमें एडहॉक जज को नहीं लाया जाता, एडहॉक जज खाली है तो जाइए काम से, अब समझिए ध्यान से, अगर कभी भी एडहॉक जज की जरूरत पड़े, सुप्रीम कोर्ट में संख्या कम हो जाए, जजों की संख्या कम घट जाए, तो उस स्थिति में क्या लाया जाता है, एडहॉक जज। एडहॉक जज लाने की सिफारिश कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश किसको सिफारिश कर, राष्ट्रपति किससे अनुमति लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और उसके बाद राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है, राष्ट्रपति उसे क्या कर देता है, नियुक्त, टेम्पररी इसे क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि एक के हाई कोर्ट से पूरे अडहक उठा लीजिए, कुछ छत्तीसगढ़ से उठाइए, कुछ हैदराबाद से उठा लीजिए, कोनो बिहार से, कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट से, कुछ लखनऊ खंडपीठ से, कहीं कहीं से उठा लीजिए, आप तो पूरी कर लीजिए। जरूरी ये भी नहीं होता है कि पूरा का पूरा जितना कमी है उतना ही पूरी कीजिए, हो सकता है कि 10 की कमी है 8 मिल पाए, समझ में आएगी नहीं गया। तो ये होता है एडहॉक जज, क्या होता है एडहॉक जज, एडहॉक जज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एडहॉक जज परमानेंट होता है, अभी तो बताए ना गधा तू नहीं वेतन, तुम ही बताओ कैसा वेतन होगा, रुक जाओ, एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में 25 दिन के लिए आया।
कितना वेतन होना चाहिए। अरे जितना हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का वेतन है उसके हिसाब से 25 दिन का जोड़ के दे देना है। अब ये सब चीज भी तुम लोग को ग्रेजुएशन के बाद आदमी बताएगा, अभी बताएं कि नहीं बताएं, जितने दिन तक रहेगा उतने दिन के। तुम बताओ काला लड़का, हाँ मेरा सब ब्लैक डायमंड, बताओ हाई कोर्ट एडहॉक जज किस कोर्ट से लाए जाते हैं? बीच में कोई नहीं बोलेगा, काला लड़का बताएगा, कोई भी कोर्ट से ला देगा। मतलब कौन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से? बता किस कोर्ट से आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किस कोर्ट से? हाई कोर्ट से। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कह रहा है? किसी भी हाई कोर्ट से लाता ज्यादा, इसीलिए बताइए हाई कोर्ट की एडहॉक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्र, किसके सलाह से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसकी अनुमति से? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसमें इतना ना फंसा देता है, कहेगा कि एडहॉक जज की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह से करते हैं? और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और किसकी अनुमति से करते हैं? तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों में बहुत का अंतर है, सलाह और अनुमति। तुम समझ रहे हैं? अब एक ऐसा भी कंडीशन आगे सुनिए कि ये भी तो हो सकता है कि कोई भी हाई कोर्ट जो है वो जज देने से ही मना कर दे। और क्यों देगा? सीधी सी बात, तुम्हारा जज छुट्टी पे गया तो हमारा जज नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी है ना सबको काहे छुट्टी पे भेज दिए, हर बात पे छुट्टी देगा, उस हिसाब से तो आप कभी फुर्सत नहीं मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जानते हैं क्या है? कल समय मिलेगा। कोई काम का आदमी टालता है ना कि कल कर लेंगे, कल समय मिलेगा, कल कभी समय नहीं मिलता, आज मिलेगा समय, आज, अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो अब आगे समझते, मान के चलिए कि नहीं मिल पाया, जज नहीं मिल पाया, तो उस कंडीशन में मजबूरी में तब कहा जाता है रिटायर जज को लाओ, सेवानिवृत्त, 128 में किया है सेवानिवृत्त जज, जो जज क्या हो गया है, रिटायर हो गया है, उसको लाइए ताकि वो खाली काम को पूरा कर सके। अब संविधान वालों का दिमाग देखिए, पहले उन्होंने किसे ढूंढा था? एडहॉक को। जब नहीं मिला तो मजबूरी में किसे ढूंढा? सेवानिवृत्त जज के ऊपर प्रेशर नहीं रहता है, क्या कीजिएगा, सस्पेंड कीजिएगा, पहले से रिटायर है। तो ऐसा हो सकता है कि ये उतना अच्छा फैसला ना दे जितना कि एडहॉक देगा, क्योंकि एडहॉक को पूरी सर्विस बची हुई है, प्रमोशन में दिक्कत आ जाएगा, समझ में, इसको कौन चीज जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो संविधान निर्माण वालों को देखे एकदम लास्ट ऑप्शन रखे, और जज ऐसे आंख बंद करके फैसला नहीं दे देता, पूरा लिखता कि फांसी किस कारण नहीं दे रहे हैं, क्या किस कारण दे रहे हैं, बचाव पक्ष का वकील ने क्या क्या तर्क दिया, इधर का वकील ने क्या क्या तर्क दिया। जो जज के फैसले आते हैं ना लगभग 400 से 600 पेज के रहते हैं, एक फैसला 400 पेज का, इतना मोटा किताब बन के आता है फैसला, बहुत मुश्किल होता है, लास्ट में एक तो फैसला हो जाता है, बाकी वकील पढ़ेंगे, ले देखें उसी आधार पर वो आगे हाई कोर्ट में जाते हैं, बड़े बड़े मुकदमे के फैसले बहुत लंबे लंबे आते हैं। तो सेवानिवृत्त जज को लाने का भी प्रावधान है। बताइए ज्यादा प्रीफर किसको करना चाहिए? याद रहेगा, चलिए अब ध्यान से बताइए, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा, हाई कोर्ट की चर्चा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, समझ में नहीं आ गया, यही है संविधान। जितना लोग को हम भाग पांच पढ़ाए हैं उस सब लोग को भाग छह अपने से पता है, बस ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे। बताइए राष्ट्रपति का अध्यादेश और राज्यपाल का अध्यादेश हो गया, भाग पांच ही सबसे जरूरी है। बोलो बोलो, बैठ जाओ,
इनका कहना है कि एडहॉक जज अगर कोनो गलत फैसला सुना दिया तो क्या होगा, यही ना, तो डबल बेंच में जाएगा मामला। ऐसे पागल नहीं होता है गलत फैसला सुना देगा, किस बेसिस पे सुना दिया फैसला। जज फैसला सुनाने वाला कोई नहीं होता, वो एविडेंस के आधार पर बताता है कि इस पक्ष में एविडेंस ज्यादा है, इस पक्ष में एविडेंस कम है, जिसके पक्ष में एविडेंस ज्यादा वही जीत गया। फैसला मतलब कुछ नहीं, कोर्ट में वही सही है जिसे आप साबित कर दिए, सबूत चाहिए होता है। क्योंकि पहले आप देखे होंगे कोर्ट में एगो जज की कानून पट्टी बांध देता है कि हम आना रहे, हमारा कोनो नहीं दिखेगा, और तराजू एगो ले ले रहेगी, जिसकी तराजू में पाप ज्यादा होगा बगल में एगो तलवार ले ले रहती है। आप देखिएगा ऐसे कानून पाप पट्टी ऐसे अंधा ऐसे तलवार ले ले, जहां ज्यादा होगा छपाक से काट देंगे। समझ में गया, पास लाने का काम किसका होता है, वकीलों का, जो पास ले आ दिया उन्हीं को काट देगी, हम आना रहे हम, अगर वकीलों पास आ जाएंगे इन्हों को काट देंगे, ये वकील दूर से मिलो हमारा मत काट दीजिएगा। ऐसे नहीं होता है कि कोई भी फैसला कुछ से सुना दीजिएगा, मनमौजी थोड़ी होता है, आपको क्या समझ रहे हैं उसको, ग्रुप डी वाला। 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, 125 126 कार्यकारी मुकनल, एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें एडहॉक एडहॉक, 128 सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त, 129 अभिलेख न्यायालय अभिलेख न्यायालय अभिलेख, वोट ऑन रिकॉर्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय। अभिलेख का मतलब होता है एक छोटा सा कानून, अभिलेख न्यायालय का मतलब कानून, समझिए। सुप्रीम कोर्ट के हर एक फैसले, सुप्रीम कोर्ट के हर एक फैसला अपने आप में एक स्वतंत्र कानून होता है, याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला अपने आप में क्या होता है, कानून। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कभी कभी बहुत भयानक फैसला सुना देती है, जबकि आपको लगता है कि इतना खतरनाक क्यों सुना दी, लेकिन उसको पता है कि अगर हम नहीं सुनाएंगे तो ये आगे जाके क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। समझ आएगा कि नहीं, जैसे मान के चलिए कोनो लड़का लड़की भाग गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि लड़का को फांसी दो, गलती लड़के की रहती है इसमें ऐसे माना जाता है, समझ आएगा कि गलती तो दोनों की रहेगी लेकिन माना जाता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुना दिया, फांसी की सजा, तो वो क्या बन जाएगा, अभिलेख। अब उसके बाद जो भी भागेगा उसको क्या होगा, फांसी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला अपने आप में क्या है, कानून है, अपने आप में कानून है, कानून है। जैसे दिल्ली में एक मैटर हुआ था, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है 40 तल्ले की, दो बिल्डिंग 40 तल्ले की, कितनी बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग एक्चुअली में। यहाँ पर दिल्ली यहाँ पे ना जो MCD है दिल्ली नगर निगम, वो यहाँ पार्क बनवाई थी, इसने ठेकेदार ने कुछ पैसा खिला के पार्क हटवा के जमीन लिखवा लिया और इस पे 40 तल्ले की बिल्डिंग बना दिया। चले गए सब जो पार्क जो वहां के मोहल्ले वाले थे लोग सुप्रीम कोर्ट में कि ये पार्क में ही कैसे बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल मुकदमा सुना, कहा कि 40 तल्ले की बिल्डिंग बिल्डर से कहिए गिरा दे और गिराने में जो पैसा आएगा वही दे, पूरा साफ सफाई करा के। आप कहेंगे कि एक पार्क के चक्कर में ऐसा किया, जज की भी मजबूरी समझिए। अगर वो कह देता कि तुम ऐसा ही पार्क इससे 100 गुना ज्यादा बड़ा पार्क बनाओ, तो अगले दिन दिल्ली के बिल्डर हर एक पार्क को कब्जाना चालू करते, सर कुछ पैसा देते, सर बिल्डिंग बनाया हो गया, 50 तल्ले की बिल्डिंग खड़ा कर दी। जब तक वो 3 साल तक मुकदमा चलेगा, इधर बिल्डिंग बन रही है, बन के तैयार, उसका वकील क्या कहेगा, बिल्डर का वकील, मिलॉर्ड हमारे बिल्डर से गलती हो गई, करोड़ों रुपए लगा के 60 तल्ले की बिल्डिंग खड़ा कर दिया। 2020 का मैटर याद कीजिए, ऐसा ही एक मुकदमा आया था और आपने कहा था कि पार्क की जगह बना दिए, चलो तुम्हारा पैसा लॉस हुआ, एक काम करो तुम इससे 100 गुना बड़ा पार्क बनाओ, तो महाराज आप ही का न्यायालय अभिलेख होता है, वो एक रिकॉर्ड की तरह यूज होता है, हमारे भी बिल्डर के साथ ना इंसाफी क्यों, अगर उसके साथ ऐसा तो मेरे साथ ऐसा, दिल्ली का सारा पार्क खत्म कर देगा। इसलिए एकदम हार्ड डिसीजन लेता है, एकदम हार्ड डिसीजन। अब क्या करेगा, सिंह बना के कोनो गांव में बगीचा बना देगा, गांव में पार्क माने कौन सी बगीचा, तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट को हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि उसके कलम से चलने वाला फैसला आर्टिकल 129 में रिकॉर्ड हो रहा है और इससे मिलते जुलते मुकदमे में हमको यही फैसला सुनाना पड़ेगा, इसी टाइप का, इससे हट के नहीं।
कौन कब्जा कर लो? सुप्रीम कोर्ट अंदर अपने अंदर रख के क्या करता? पता चलता फिर दूसर वक्त अभिलेख बन जाता, जो मुकदमा होगा सब सुप्रीम कोर्ट रखेगा। जज बनेगी कितना खतरनाक काम करेगी। सब हथियार लेगी। उस हिसाब से अगर संसद में मैटर चल गया, नया संसद भवन बन रहा है, सुनो ध्यान से, हम ये करिए कि तोड़वाया क्या, कब्जा कर लिया। अगर कब्जा कर लिया तो नया संसद भवन बन रहा है सेंट्रल विस्टा, कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं, कोई भाई सुप्रीम कोर्ट में केस करेगा और यही नजीर देगा कि आप जब ये 40 तल्ला वाला रख लिए थे, संसदों रख लीजिए। बवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझिए। आपका फैसला क्या बन जाता है? नजीर बन जाता, रिकॉर्ड बन जाता नजीर। आप सब में हर जगह ही नजीर, जैसे आप लोग में भी देखे, कोई बहुत ज्यादा बदमाशी करेगा उसको भगा देते हैं कि नहीं? ये अपने आप में क्या है? नजीर। और देखिएगा उससे मिलता जुलता कौन बदमाशी करेगा, भगा देते हैं, भगाते हैं कि नहीं? क्योंकि वो क्या बन जाता है? अभिलेख। अभिलेख को उर्दू में हम कहते हैं नजीर। क्या कहते हैं? नजीर। नजीर कहा जाता है। नजीर का मतलब होता है इसी से मिलता जुलता। नजीर का मतलब क्या होता है? इससे मिलता, और जिससे मिलता जुलता कोई ना हो उसे कहते हैं बेनजीर। बेनजीर कोई चीज बहुत सुंदर हो जिससे मिलता जुलता कुछ ना हो, जैसे ताजमहल। तो ताजमहल अपने आप में क्या है? बेनजीर। उर्दू भाषा है, उर्दू में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, मार दिया बम से। बेनजीर भुट्टो याद रहेगा। आर्टिकल 29 क्या है? 129 अभिलेख ने। तो हर फैसले को सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ता है? सोच समझ के देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई अपराध बहुत ज्यादा किए हैं तो उसको तुरंत फांसी दे दो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो फंस जाएगा। जज्बात में आके अगर फैसला देगा तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा? नजीर बन जाएगा, अपने आप में एक मिसाल बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? किसी को कोई दिक्कत नहीं? नजीर क्या होता है अभी तो बताया, नजीर क्या होता है? नजीर में कोई दिक्कत उसी का मिलता जुलता, किसी कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे मान के चलिए यहाँ ये लड़का बैठा है, इसने कोई अपराध किया, ठीक है, किसी को कोई अपराध किया, विदाउट आई कार्ड आके घुस गया मान के चलिए, और हम इसको लेके चल गए हाई कोर्ट, फिर चल गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अगर मान के चलिए इसको गलती से 6 महीना का सजा सुना दिया, तो इंडिया के वो क्या बन जाएगा? नजीर। हिंदुस्तान के किसी भी कोचिंग में, किसी भी स्कूल में विदाउट कार्ड घुस जाएंगे, 6 महीना का हो जाएगा, 6 महीना क्या हो जाएगा? जेल। तो जज भी कहेगा कि भैया इस तरह से तो टीचर मिसयूज करेगा, किसी लड़के का गलती से छूट गया और क्लास में बैठ गया, और गलती से मान के चले कोई गलती कर दिया तो टीचर डाल देगा उसको। तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि उसकी कलम से चलने वाला केवल फैसला नहीं है, सामने फैसला है और उसके पीछे क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए कह देगा कि इसके ऊपर 200 रुपया का जुर्माना लगाया जाए, ऐसे कह देगा कि कुल फीस का 10% जुर्माना लगा दिया जाए, इस टाइप का कुछ कह देता है। समझ में गया कि नहीं आ गया? देना पड़ जाएगा, और नहीं दे तब जेल कीजिए, इस टाइप का सजा सुना देता है। इसका मतलब आप अच्छा वकील वही है जो सुप्रीम कोर्ट के हर एक फैसले को याद रखे। सोचिए अच्छा वकील कौन जो सुप्रीम कोर्ट के सब फैसले को याद रखे, क्योंकि सब अपने आप में क्या है? नजीर। इसलिए किसी वकील के यहां जाइएगा ना, तो उसके दीवार पे चारों अलमारी रहेगा और मोटका मोटका किताब रहेगा, और हर किताब पे ऐसे लिखल रहेगा 2018, बगल में एक और किताब रहेगा 2019, एक बगल में रहेगा 2020, माने हर किताबवा में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जितना फैसला दिया सब उसमें लिखा है। तो मिलता जुलता देखता है, कहता अरे ऐसा हो गया, इसमें तो हमको फायदा होगा, वो किताबवा लेके चल जाता है, उसको मोड़ देता है, जज साहब को दिखाता है। माननीय जज साहब देखिए, तो 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया था। देखे किताब, देखिए किताब। हाँ, जज उस समय थे रंगास्वामी या कुछ भी होंगे, उन्होंने ये फैसला दिया था इस मुकदमे में। कह देगा इसका फोटोकॉपी हमको दे, इसका बता दीजिए, नोट कर दीजिए। तो उसका एक अर्दली होता है, सब नोट कर लेता है। उसका जज जाता है अपने कमरा में, देखते हैं वकील झूठ नहीं बोल रहा था, देखेगा नहीं सही है, उसी आधार पर क्या सुना देगा फैसला। अगर दिल्ली कौन में कानून बनता है, सजा क्या था? आर्टिकल 20 को लेकर घुस गई कि सजा उस समय के कानून के हिसाब, हाँ सजा उसी समय के कानून पे देते, लेकिन प्रोसीजर आप नजीर के हिसाब से फॉलो करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं?
87 में अगर उसी से मिल, 87 में भी मर्डर के लिए क्या सजा थी? फांसी। 21 में भी क्या है? 22 में भी फांसी। कौन सा सजा आजादी से पहले और अभी तक में बदला है? बल्कि और हार्ड हुआ है, ज्यादा बदला तो है नहीं बल्कि क्या हो गया, और हार्ड हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? नजीर समझ में आ गया? अब समझ में आ रहा है वकील बनना कितना मेहनत है। डॉक्टर, मास्टर, वकील, लाइफ टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा। अपडेट नहीं रहिएगा फेंका जाइएगा। समझ में आ गई? नहीं आप लोगों को कोई दिक्कत? बाध्य है? हाँ, राष्ट्रपति कोलेजियम की सलाह मानने के लिए बाध्य है। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेगा।